الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الهدي
مقدس كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني أملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة آسمان کہاں آسمان کہاں ستاروں سے منور میرا سینہ ہے اور زمین کہاں مجھ پر مکہ اور مدینہ ہے آسمان کہاں مجھ پر چاند نرالا ہے اور زمین کہاں مجھ پر کالی کملی والا ہے اور کوئی ملے یا نہ ملے بس حبیب خدا ملے کوئی ملے یا نہ ملے بس حبیب خدا ملے جس کے ملنے سے رضا ہر قسم دی ہم لوگ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جس مالک کائنات نے
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਹੈ तो अल्लाह पाक इस खुतबाए जुमा नू साड़ी नजात दा जरिया और सबब बनाए। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुना फि दुनिया व इमामुना फि आखिरा, कुल कायनात दे सरदार मेरे थोड़े दिलां दी बहार, शीमा दे वीर, बदरे मुनीर, आमना दे लाल, सारी कायनात दे ताजदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुबारकत। दोस्तों, बुजुर्गो, अजीज साथियों, काबले इहतराम मुअज़्ज़ज़ात, मेरी रूहानी माओ और बहनों, पिछले दो खुतबा जुमातुल मुबारक तो रूदी गजा और जिक्र करने वाले अल्लाह की मुकाम अता कर दे तुसी समात फरमा चुके। इंसान दुनिया अंदर कोई भी नेकी कर दे, हर नेकी करने वाले दी ख्वाहिश ये होंदी है कि अल्लाह पाक मैनू जन्नत अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक सानू हर नेकी करके अल्लाह नेकी कबूल फरमा के जन्नत दा दाखला अता फरमाए। स्पीकर भी थोड़ा काबू च नहीं आ रहा, पता नहीं की गल। हर इंसान दी ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना यही होया करदी है कि अल्लाह इस नेकी करन तो बाद इस नेकी दे बदले अंदर अल्लाह मैनू जन्नत दा दाखला अता कर दे। जुमे दी घड़ी दुआ करो अल्लाह पाक हर मोमन मुसलमान नू अल्लाह जन्नत दा दाखला अता करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा इंसान अपने अल्लाह कोलों तीन बार जन्नत दा सवाल करदा है ना, तीन बार दुआ कर दे कि अल्लाह मैनू जन्नत अता फरमा, और नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जदों भी अल्लाह कोलों मंगनी है जन्नत अल फिरदौस मंगनी है। फरमाया जेड़ा इंसान तीन बार ये दुआ कर दे ना कि अल्लाह मैनू जन्नत अता फरमा, अल्लाह मैनू जन्नत अता फरमा, अल्लाह जन्नत अल फिरदौस अता फरमा, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया चौथी बार जन्नत भी कहिंदी अल्लाह तेरा बंदा मंगी जा रहा है, इसनू अल्लाह तू जन्नत अता फरमा। अल्लाह तेरा बंदा सवाल कर रहा है, अल्लाह इसनू तू जन्नत अता फरमा। और दूसरी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहीह बुखारी अंदर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हदीस दे रावी ने, आपने फरमाया मौज़ियु सौती फिल जन्नति खैरुम मिन दुनिया व माफीहा। फरमाया जन्नत दे अंदर एक कोड़े दे बराबर अगर जगह लब जाए ना, फरमाया खैरुम मिन दुनिया व माफीहा, फरमाया वो दुनिया और जो कुछ दुनिया दे अंदर हर चीज़ नालो ज़्यादा अफजल ते आला ते बरतर है। अगर जन्नत दे अंदर एक कोड़े दे बराबर जन्नत लग जाए, और नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने दूसरे फरमान अंदर की ऐलान फरमाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला हदीस दे रावी ने बयान फरमांदे ने, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया वल जन्नत अक्रबु इला अहदिकुम मिन शराकी नअलिही वन नारु मिसला जालिका। फरमाया दुनिया कायनात अंदर जिंदगी बसर करने वालों, फरमाया जिवें तुहाड़ी जुत्ती दा तस्मा तुहाड़े करीब है ना, जन्नत फरमाया तुहाड़े इतनी करीब है, जन्नत तुहाड़े इतनी करीब है।
वन नार उमिसला जाली का फरमाया जिमें जुत्ती दे तस्मे जितना करीब जन्नत है फरमाया इतना ही करीब द्वाड़े जहन्नम है। फरमाया जेड़ा इंसान इस बात दे कोशिश करता है मेहनत करता है और ए नीयत दे नाल और इस नीयत नाल अमाले सालिया करता है कि अल्लाह मैनू जन्नत अता फरमाए। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया है अल्लाह पाक उसनू जरूर जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया इसे तरह जहन्नम भी तुहाडे करीब है। जेड़ा इंसान रब नू छड़ के और रब दे दर नू छड़ के और दुनियादारी दे अंदर और दुनिया दे कम्मां दे अंदर बह गया कुरान व हदीस नू छड़ बैठा फरमा एवें जहन्नम भी उसके ऐसे ही करीब है। खदशा है कि कित इंसान जहन्नम के अंदर ना गिर जाए। तो आइए फिर साढ़े हर अमल के अंदर असी कोशिश करिए दुनिया अंदर क्योंकि रमजान मुबारक बड़ा करीब दर करीब आ रहा है। इस वास्ते मैं दो तीन जुमिया तो इस तरह थोड़ी तवज्जा दिलाना चाहना। तो आइए आज देश मुख्तसर खुतबा जुमा के अंदर कुरान हदीस की रोशनी अंदर जो बात मैं थोड़े सामने अर्ज करना चाहना कि ऐसे वज़ाइफ ऐसे वजीफे जड़े नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने दसे ने फरमाया जेड़ा इंसान ऐ अमल करता है ऐ वजीफा करता है अल्लाह उसनू जरूर जन्नत का दाखला अदा करेगा। अल्लाह उसनू जरूर जन्नत का दाखला अदा करेगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान इस बात का ऐलान करता है। आई अल्लाह का कुरान सुनो ते बात आगे चलाना चाहना आइए गौर करते जाना। मालिक अर्जो सुमा दा कुरान अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात जिक्र करने वाले बंदे जिक्र करने वाली औरतें अल्लाह जी ने वास्ते की रखे है। आओ अल्लाह पाक दा कुरान सुनो बाईवां सिपारा शुरू अंदरों पढ़ रहे अल्लाह पाक फरमांदे ने जन्नत नो रख छे आओ मैं पहला वजीफा बड़े इकतसार वक्त बड़ा इकतसार जुमेदा है अल्लाह को अगला चंद नबी पाक दे फरमान तेरे सामने रखना चाहना है। आइए पहली हदीस सुनल कुबरा इमाम नसाई ने नकल फरमाई है अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक फरमांदे मैं फरमाया मन करायतल कुर्सी बादा दुबरी कुल सलातिन मक्तूबन लम यमनउ मिन दुखुलिल जन्नत इल्लल मौत। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम फरमांदे मैं फरमाया जेड़ा इंसान हर नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी की तिलावत कर दे हर फर्जी नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी पढ़ लेंदा है हर फर्जी नमाज तो बाद कुरान तीसरे सिपारे का टुकड़ा पढ़ लेंदा है। अल्लाह हू अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह हू अकबर अल्लाह फरमाया उस इंसान के अंदर अगर जन्नत के अंदर अगर कोई रुकावट है तो रुकावट है अल्लाह को अकबर अल्लाह इधरों मौत आएगी फरमाया अल्लाह जन्नत का दाखला ता फरमा देगा इधरों मौत आएगी अल्लाह जन्नत का दाखला ता फरमाएगा। मैं वीरा तुहानू पूछना चाहना लेकिन एक अल्लाह किन्ना बंदे नू नसीब होना है जेड़ा पांच वक्त की नमाज पढ़ता है वो ही ऐतल कुर्सी की तिलावत करेगा ना जेड़ा नमाजा पढ़ता होगा। मैं तेनू इस गल समझानी चाहना वो ईमान का दावा करने अल्लाह इधर तू फजर दी नमाज पढ़ के फारग हो अल्लाह को अकबर अल्लाह फजर दी नमाज पढ़ी है ते बह गए पिछले जुमे अंदर सारे अजकार तुहानू मैं सुना चुके हाँ मैं जड़ी गल करना चाहना है इधरों नमाज तो बाद फारग हो उधरों तू ऐतल कुर्सी की तिलावत करनी शुरू कर दी थी है अल्लाह वला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस्समावाति वल अर्द मन दल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा इल्ला बिमा शा
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ادرو ایتل کرسی پڑھ کے فارغ ہوئے اگر تیری جان نکل گئی اللہ اکبر اللہ جنت دا داخلہ تا کر دے وے گا اللہ جنت دا داخلہ تا کر دے وے گا اس واسطے میرے ویرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے فرمایا ہر نماز نو زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کر اللہ کو اکبر اللہ ہے پتہ نہیں فجر پڑھی ہے زور پڑھنی بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی عصر پڑھی ہے اللہ کو اکبر اللہ ہے اوے مغرب پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں عشاء پڑھی ہے فجر پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں اللہ کو اکبر اللہ ہے اس واسطے پہلا جڑا میں تواڈے سامنے وظیفہ بیان کیتا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہے اللہ ہر فرضی نماز تو بعد ہے ایت الکرسی دی تلاوت کر لیندا ہے اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ تا فرمائے گا آؤ میں دوسری نبی پاک دی حدیث دے دوسرا وظیفہ کہنا ہے اللہ کو اکبر کنا لوکاں نو اللہ جنت عطا فرمائے گا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا سورۃ من القرآن ما هي الا ثلاثون آیات خاصمت عن صاحبها حتی ادخلت الجنۃ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا قرآن پاک دے اندر ایک ایسی سورت ہے جندیاں 30 آیتاں نے جندیاں کیڑی سورت دسو بھلا ماشاءاللہ لگدا بزرگ پڑھ دے نے ماشاءاللہ سورت ملک تبارک الذی بیدہ الملک نبی پاک فرماندے نے یہ قرآن اندر 30 آیتاں والی سورت فرمایا جڑا بندہ ان دی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ اس سورت ہی پڑھتا رہتا ہے اللہ کو اکبر اللہ جنت ملے جانے والے وظائف سن دے جانا ہے اللہ عادت بنا لا رمضان تو پہلے پہلے پتہ کوئی نہیں رمضان زندگی دا کتے آخری نہ بن جائے اللہ کو اکبر اللہ کتنے تیرے میرے پیارے بزرگ کتنے تیرے میرے ایسے نوجوان اللہ کو اکبر اللہ تھوڑے دو تین دن کی بات دینا ہے ایک نوجوان رونا شروع ہو جاتا ہے میں کہ بھائی کی گل یاد کیا گیا تے کیوں رونا شروع ہو گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ ہے کہندا قاری صاحب رونا اس گل تو آیا ہے پچھلے رمضان مبارک اندر اپنی امی دے ہتھاں دی سحری کردا رہیا واں اپنی امی دے ہتھاں دی افطاری کردا رہیا واں اے سال رمضان دا شاید نصیب ہو ہی جائے لیکن انہاں ہتھاں دی سحری نصیب کوئی نہیں انہاں ہتھاں دی افطاری نصیب کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ ہے آؤ نہ ہو سکدا زندگی دا آخری رمضان ہی نہ کتے بن جائے اللہ اپنی عادت بنا لے عادت بنا لے نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں جڑا اس سورت دی تلاوت کرے گا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے سورت پڑھن والے دے بارے جھگڑا کرے گی اپنے اللہ دے نال اللہ بحث کرے گی اپنے اللہ دے نال اللہ کو اکبر اللہ او نی دیر جھگڑا تے بحث کر دی رہے گی آقا فرماندے نے جنت جنی دیر پڑھن والا جنت داخل نہیں ہو جائے گا جنی دیر پڑھن والا جنت داخل نہیں ہو جائے گا اے سورت ملک تیرے میرے بارے اللہ کو اکبر اس واسطے نبی پاک نے فرمایا ہے ویرا رات نو سورت ملک پڑھ کے سویا کر اے سورت ملک نال پیار پایا کر اے جنت ملے جانے والے وظائف نے اللہ کو اکبر اللہ تیرے میرے نوجوانوں ساڑیاں راتاں ٹی وی تے گزر جاندیاں نے اوے فیس بک تے گزر جاندیاں نے اللہ کو میرے نبی دی حدیث یاد آئی تے سنانی چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد درود محبت نال پڑھیا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس حال اندر موت آئے گی اسے حال اندر اٹھایا جائے گا جس حال جو موت آئے گی فرمایا اسے حال اندر اٹھایا جائے گا اے میرے ویر نوجوان اگر تیری موت گانے سندیاں آ گئی تیری موت بے حیائی ویندیاں آ گئی تے
तेरी मौत रब दियां ना फरमानियां बदकारियां शराबां पींदियां आ गई ते मेरे नबी दी दसी गल गलत नहीं जे हो सकदी जिस हाल अंदर मौत आएगी उस हाल अंदर ही तेनू मैनू उठाया जाना है ते जे रब अल्लाह दुआ करे जे दुआ ते जे रब सजदे दी मौत नसीब कर देवे जे रब क्याम दी मौत नसीब कर देवे अल्लाह जे कुरान पढ़दे आ मौत नसीब हो जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह सुमान गनी रजी अल्लाह तआला वेखो ना शहादत पाई है ते कुरान पढ़दे आ पाई है अल्लाहु अकबर अल्लाह इस वास्ते वीरो दुआ करे अगर मौत आए ते जबान ते कलमा जारी होए ते जबान ते कुरान जारी हो जाए ताकि असी जदों अल्लाह दे सामने कियामत वाले दिन पेश होइए सानू दसण दी लोड़ ही कोई ना होवे ए कुरान ही साडा सिफारशी बन जाए ए कुरान ही साडा साथी बन जाए अल्लाह आओ गल लंबी ना हो जाए। मेरे पाक पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दसे ने जेड़े सानू इंशाल्लाह जन्नत अंदर ले जाएंगे। आओ मैं तीसरी हदीस बयान करना चाहना है सही बुखारी शरीफ अंदरों हदीस बयान करना है। मेरे पाक पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमांदे ने किसे कहानियां सुनान दा आदि नहीं आका फरमांदे ने इन्ना लिल्लाहि तिसअतु व तिसईना नस्मा मियतन इल्ला वाहिदा फमन अहसाहा दखलल जन्ना फमन अहसाहा दखलल जन्ना। नबी पाक फरमांदे ने एक घट ते सौ अल्लाह दे नाम ने एक घट सौ अल्लाह दे नाम ने नड़िनवे अल्लाह पाक दे नाम ने अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं अपने कोलों नहीं कह रहा सही बुखारी जो हदीस बयान कर रहा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर फमन आहसान जेड़ा इन्हां नू याद कर लैंदा है जेड़ा इन्हां नामां नू याद कर लैंदा है ए वजीफे याद कर लैंदा है ए अल्लाह दे नाम मुहब्बत नाल याद करदा है अल्लाह दे नाम प्यार नाल याद करदा है अल्लाह दे नाम मुहब्बत प्यार अकीदत नाल याद करदा है। आका फरमांदे ने वमन आसाहा दाखलल जन्ना जेड़ा ए नाम याद करके पढ़दा रहेगा अल्लाह जन्नत दा दाखला ता कर देगा। सही बुखारी शरीफ। हुण गौर करिए 60 साल भी गुजर गए 80 साल भी गुजर गए 70 साल भी गुजर गए ते असी अपने रब दे 99 नाम भी याद नहीं कर सके। दुनिया दी हर चीज़ याद है अनपढ़ तो अनपढ़ बाबे नू पुछ लो तुहानू एक एक गल्ला एकड़ दा हिसाब दस देगा करू मार के दस देगा इंची इंची दस देगा। और दुनिया दी हर चीज़ याद है अगर नहीं याद तो अल्लाह दे नाम याद कोई नहीं अगर नहीं याद है अपने खालक दे नाम याद कोई नहीं अपने मालक दे नाम याद कोई नहीं। हालांकि मेरा ईमान है जेड़ा बंदा ईमान दे नाल पूरे यकीन नाल पूरे अल्लाह दे कोलो सवाब दी नीयत नाल फरमाया अल्लाह दे नाम पढ़दा रहिंदा है अल्लाह हर किस्म दियां परेशानियां अल्लाह दूर कर देंदा है हर किस्म दियां आफतां दूर कर देंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह इस वासी अल्लाह दे नाम याद करया कर अल्लाह दे नाम नाल प्यार पा लिया कर अगर जन्नत अंदर जाना चाहना है। अल्लाह अकबर अल्लाह ओ तेरा नाम लिया डल जांदियां बलावां ने तेरा नाम लिया डल जांदियां बलावां ने तेरे नाम विच अल्लाह शफावाई शफावान तेरे नाम विच अल्लाह शफावाई शफावान ओ जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदा ओ जिथे तेरे नाम दा
वजीफा किता जामदा रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावाने रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावाने ओ तेरा नाम लियां टल जांदियां बलावाने तेरे नाम विच अल्लाह शिफावाई शिफावाने ओए खूह विचों कढ के ते तख्त ते बिठाया सी गल याद आ गई होएगी किस्सा याद आ गया होएगा ओए खूह विचों कढ के ते तख्त ते बिठाया सी हाथी जिन्हों सुटे आसी सकिया बेरावाने हाथी जिन्हों सुटे आसी सकिया बेरावाने तेरा नाम लिया टल जांदिया बलावाने ओ तेरे नाम विच अल्लाह शफावाई शफावाने आओ अगली यदी समाज फरमा लो मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान देने आओ मैं तुहानू जन्नत देख लेने कर देवा अल्लाह अकबर जन्नत दे अंदर अगर जाना चाहते हो ऐ नबी पाक दे फरमान सुनो नबी पाक दिया गल्ला सुनो नबी पाक दे मिठे बोल सुनो आका की फरमान देने फरमाया जेड़ा बंदा सैयदुल इस्तिगफार सुबह नू भी पढ़ लैंदा है शाम नू भी पढ़ लैंदा है सैयदुल इस्तिगफार किनू किया जांदा है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाहुम्मा अंता ربي اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت نبی پاک فرمان دے نے جیڑا بندہ صبح دعا پڑھ لیندا ہے نماز تو بعد اے صبح دعا پڑھ لیندا ہے آقا فرمان دے نے شام تو پہلے اگر اینو موت آ گئی اللہ جنت دا داخلہ تا کر دے گا تے اگر شام نو پڑھ لیندا ہے شام نو پڑھ لیندا ہے تے صبح ہون تو پہلے موت آ گئی अल्लाह इनू जन्नत दा दाखला ता फरमा देगा अल्लाह पढ़न दी तफीक दे अल्लाह सानू पढ़न वाला बना दे अल्लाह दी कसम साड़ियाँ महफलां साड़ियाँ मजलसां ना चुगलियाँ तो पाक ने ना गीबतां तो पाक ने क्या मर्द और क्या औरत नबी पाक ने फरमाया अल्लाह फरमाया वो मजलस घाटे वाली है जिस मजलस के अंदर रब नू याद ही ना किया जाए जिस मजलस के अंदर रब का तस्करा ही ना हो जिस मजलस अंदर अल्लाह रसूल की गल ही ना हो और आज वेखिए साड़ियाँ मजलसा की हालत की और फिर साढ़े लोग इस चीज़ नू गुनाह नू बड़े शौक नाल पुछते ने और सुना कोई नवी ताजी सुना असली चुगली और गीबत का ना नवी ताजी रख दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह आइए अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अपनी जबान नू अल्लाह दे जिक्र नाल तर रखिया कर ऐ दुआवां पढ़िया कर लेकिन पढ़नियाँ कि ने जिन्हों पता है मैं मर जाना है जिन्हों पता है जिंदगी दा पता कोई नहीं किस मोड़ दे किस वेले अल्लाह अकबर अल्लाह ऐ दो चार पाँच दिन पहले दी गल लेना है अल्लाह अकबर अल्लाह साढ़े एक अजीज अल्लाह उन्हां दे अगे अल्लाह रिश्तेदार ने अल्लाह अकबर अल्लाह वहाँ दे रहन वाले हरनाले बाईपास दे हादसा होए अपने कैरी डब्बे ते जा रहे ने अल्लाह पिछों हादसा होए उत्थे ही कैरी डब्बे नू अग लग जांदी है अल्लाह अकबर दोने मियाँ बीवी ते चार बेटे मौके ते अल्लाह नू प्यारे हो जांदे ने हरनाले बाईपास का वाकया जे अल्लाह अकबर एको घर दे छे अफराद मियाँ बीवी ते चार बेटे मौके ते अल्लाह नू प्यारे हो जांदे ने इस वास्ते वीरा आओ ना अल्लाह ने अगर जिंदगी दित्ती है ते जिंदगी नू गनीमत समझिया कर इंदी हर वक्त तैयारी अंदर रहा कर क्योंकि मैं तो क्या करना है वीरा ऐसी जिंदगी गुजार के जा ऐसी जिंदगी गुजार के जा इधरों मौत का फरिश्ता आए इधरों मौत का पैगाम आए आसमान तो ऐलान हो जाए या
ايات النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ فرمائے او نیکوکار او نفس مطمئن او نفس مطمئن آج راضی ہو جا اللہ تیرے تے راضی ہو چکے ہیں اور میرے نیک بندیاں دے نال مل کے تے جنت دے اندر داخل ہو جا. اللہ اکبر. اللہ اے نفس مطمئن اے الگ مضمون انشاءاللہ تین نفساں نفس امارا نفس لوامہ تے نفس مطمئن انشاءاللہ پھر کدی بیان کران گے. آؤں جڑی میں بات دسنا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑا سید الاستغفار صبح پڑھ دے شام دو پہلے موت دا جنت دے اندر. آؤ اگلی حدیث سنو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ اکبر. اللہ امام حجر نے اللہ اس حدیث نو صحیح لکھیا غور کرنا ہے. آقا فرمان دینے جیڑا بندہ ہے تین واری سات مرتبہ صبح پڑھ دے سات واری شام نو پڑھ دے کی پڑھ دے اللهم اجرني من النار. سات واری صبح پڑھے آئی سات واری شام نو پڑھ دے کی پڑھ دے اللهم اجرني من النار. اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لوی اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لوی اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لوی اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لوی. اے صبح بھی یہ کوئی تذکرہ کر دے شام نو بھی یہ کوئی بول بول دے اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لوی. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان دے نے اللہ کو اکبر. اللہ اے بار بار اپنی زندگی اندر دا نہیں اللہ 14 بار کہندا ہے سات واری صبح کہندا ہے سات واری شام نو کہندا ہے اے دک دن دے اندر 14 بار جہنم کولوں پناہ منگدا ہے اللہم اجرنی من النار اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لے. ویرا میں تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا تو ایک دن دے اندر کنی واری جہنم کولوں پناہ منگنا ہے ایک دن دے اندر کنی واری جہنم کولوں پناہ منگنا ہے جدوں ایک دن دے اندر 14 بار اللہ کولوں جہنم دی پناہ منگے گا میرا رب اللہ رحمت دے اندر آ جائے گا میرا بندہ تیرے ترلے ویکھ کے میرا رب تینوں معافی کرے گا تے جنت دا داخلہ وی عطا فرما دے گا. اس واسطے پڑھیا کر تین واری سو سات واری صبح سات واری شام نو اللہم اجرنی من النار اللہ کولو دعا کریا کر اللہ آخر تیرا او بندہ ہاں خاں چنگا ہاں خاں مندہ ہاں اے اللہ آخر تیرا بندہ ہاں خاں چنگا ہاں خاں مندہ ہاں تے اللہ مینوں اپنی رحمت عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اے اللہ اے دعاواں کریا کر میری ہر ایک معاف خطا کر دے تے اللہ واپس خالی موڑی نا میرے دل دی آسن توڑی نا ایس انداز اندر گیا کر اے اللہ واپس خالی موڑی نا میرے دل دی آسن توڑی نا تے اللہ تو آکھیا سی غیر کولو اے منگی نا پر میرے کولو منگدا سنگینا تے اللہ اسی ہور کسے در جانا نہیں اللہ اسی ہور کسے در جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں. اور دسو جنت کنے دینی ہے تے جہنم کولو کنے بچانا ہے تے پھر معافی کنے کولو منگنی چاہیے کہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ ہر بندہ ایک بات سمجھتا ہے جنہ بھی کوئی گیا گزرا ہوئے جنہ بھی بے عمل ہوئے
दिल ओंदा भी करदा है कि रब मैनू जन्नत अता फरमा देवे ते आओ ना वीर हो गए सवासे मेहनत करया कर ऐ जिंदगी यार दिए ना आओ गल्ला लमिया ना हो जान अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ मैं अगली हदीस बयान करना चाहना है मेरे पाक पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा तीन बारी सुबह वजीफा पढ़दा है ते तीन बारी शाम नु पढ़दा है अल्लाह अकबर अल्लाह की पढ़दा है अल्लाह दे नबी की फरमांदे ने रसी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व भी मुहम्मद नबियन आका की फरमांदे ने फरमाया वाजा बदला गुल जन्नता सही मुस्लिम दी हदीस है किताबुल ईमान अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमान देने अल्लाह हू अकबर अल्लाह फरमाया जड़ा बंदा तीन बारी सुबह पढ़दा है की पढ़दा है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबियन अगर नहीं गल समझ आई तो समझानी चाहना है अल्लाह हू अकबर अल्लाह ये बंदा तीन बारी अपने अल्लाह नू कहिंदा है अल्लाह हू अकबर अल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह सी तेरे रब हूं ते राजियां अल्लाह तेरे रब हूं ते राजियां जिस हाल च रखिया राजियां अल्लाह गुरबत रखिया ही ते तामी राजियां अल्लाह अमीरियां दितियां ही ते तामी राजियां अल्लाह सेहता दितियां ते फिर भी राजियां अल्लाह शिफावां दितियां ते फिर भी राजियां अल्लाह तंगियां अंदर रखिया ही फिर भी राजियां अल्लाह बीमारियां अंदर रखिया फिर भी राजियां अल्लाह औलादां दितियां ते फिर भी राजियां अल्लाह नहीं दिती ते फिर भी राजियां अल्लाह अकबर अल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह दे अगली दुआ की कर दे व बिल इस्लाम दीनन अल्लाह असी दीने इस्लाम दे भी राजियां राजी हो दीने इस्लाम दे के नहीं ईमान ना दसो दीने इस्लाम दे भी राजियां अल्लाह जेड़ा सानू दीने इस्लाम दिता है आ कई बंदे दीने इस्लाम दे राजी ने तुसी कहना की दलील है मेरे को दलील मंगन की लोड़ कोई नहीं अपने चेहरे से हाथ मार के देख लो और दाढ़ी इस्लाम अंदर है कि नहीं ईमान ना दसो कि इस्लाम तो बाहर है दाढ़ी है इस्लाम अंदर के नहीं तो कई बंदे इस दीन इस्लाम दे राजी नहीं कि दाढ़ी इस्लाम अंदर नहीं सी होनी चाहिए नाउज़ बिल्ला अगर इतनी माड़ी तो चीज़ होंगी कभी अल्लाह मेरे पैगंबर के चेहरे पर ना आने देता फरमाया व इस्लाम ते राजी हाँ ते तीसरा जुमला की पढ़दा है वाबी मुहम्मद नबियन अल्लाह सानू नबी दिता ही अल्लाह जड़ा आखर नबी दिता है अल्लाह इस नबी ते भी असी राजी हाँ अल्लाह इस नबी ते भी राजी हाँ अल्लाह अकबर राजी हो ना इस नबी ते इस वासे दी बात मनिया करो इस पैगंबर दा कहना मनिया करो इस पैगंबर दे आखिए लगिया करो अगर इस पैगंबर दे राजी हो अल्लाह किथे मैनू याद आए मौलाना शरीफ इलाहाबादी और मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी अल्लाह पढ़िया कर दे सन ओए सौ सौ वार असियां राजी ते करिए शुक्र रबाना सौ सौ वार असियां राजी ते करिए शुक्र रबाना साड़ी वंड मुहम्मद आया साड़ी वंड मुहम्मद आया ते सरवर दुआ जहाना लोग करानू लैकर जामन ते दुनिया दा माल खजाना लोग करानू लैकर जामन ते दुनिया दा माल खजाना ते असी करानू लैकर जाइए हसन हुसैन दा नाना ओए लोग करानू ओए लैकर जामन
उठ बकरियां गाई ते असी करान लै कर जाइए ते हौजे कौसर दा साई ते लोकां दी दौलत ओए मुकदी मुकदी ते ओड़कनू मुक जावे ओए लोकां दी दौलत ओए मुकदी मुकदी ते ओड़कनू मुक जावे ते साड़ी दौलत पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ साडी दौलत पाक मुहम्मद जो अल्लाह नाल मिलावे आओ ना गल मीनो जाए आओ मैं अगला अमल दसना चाहना है जन्नत केड़े वजीफे लेके जानगे मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा जुमला ही पढ़दा रहिंदा है ऐ वजीफा ही पढ़दा रहिंदा है सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी हुरी सत नखलत फिल जन्नत आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा जुमला पढ़दा रहिंदा है सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी फरमाया अल्लाह इस बंदे वास्ते जन्नत दे अंदर खजूरां दे बाग ला छड़दे ने अल्लाह जन्नत दे अंदर खजूरां दे बाग ला छड़दे ने 177 माड़ी चाड़ी दे रहन वाले आ ए समुंदरी दे आबासियां मैं तेरे कोलो सवाल करना अगर तू अपनी आदत ही बना लवे अपनी आदत चलदा फिरदा आदत बना लवे सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी ईमान दस तू जन्नत दे अंदर एक दिन अंदर किन्नियां खजूरां ते बाग ला लवेगा यार होर कुछ भी ना मिले आज जिथे खजूरां रब ने ला दितियां ने अगर ए जगह ही मिल गई तो इंशाल्लाह काम बन जाना है ए जगह ही रब सानू अता कर देगा इस वास्ते फजूल गल्ला ना करया कर ए जुमले पढ़दा रहा कर अगर जन्नत जाना चाहना है जन्नत दे बगात लेना चाहना है जन्नत दियां खजूरां लेना चाहना है अल्लाह अकबर अल्लाह आओ ना अगे चलते जाना है मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा है जुमला पढ़दा रहिंदा है ओए सुनो सुनो नबी पाक दियां गल्लां ए जुमले पढ़दा रहिंदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लहू बाबुन मिन अबवाबिल जन्नती और दूसरी रवायत अंदर फरमाया कंजुम मिन अल कनूजिल जन्ना फरमाया जेड़ा बंदा ऐ जुमला पढ़दा रहिंदा है ला हौला पढ़ो हाँ जरा खतीब नु अख्तियार है बुलाने दा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इंदा मायना की है अल्लाह मेरे अंदर नमाज पढ़न दी ताकत कोई नहीं अगर पढ़िए तेरी तौफीक नाल अल्लाह मेरे अंदर जुमा पढ़न पढ़ाने दी तौफीक कोई नहीं अल्लाह अगर पढ़िया पढ़ाना ते तेरी तौफीक नाल अल्लाह मेरे अंदर नेकी करन दी तौफीक कोई नहीं अल्लाह सजदे करन तफीकां कोई नहीं अल्लाह अगर सजदे भी करना दे तेरी तौफीक नाल अगर क्याम करना दे तेरी तौफीक नाल आका फरमांदे मैं जेड़ा ए जुमला पढ़दा रहिंदा है फरमाया ए जन्नत दे दरवाजियां चो दरवाजा जे और दूसरी जगह ते फरमाया आका एक हदीस अंदर बयान हदीस याद आ गई है आ फरमांदे ने मेरे सियाबा क्या तुहानू मैं जन्नत दा खजाना ना दस देवां क्या तुहानू मैं जन्नत दा खजाना ना दसा सियाबा अर्ज करते ने अल्लाह दे पैगंबर केड़ा जन्नत दा खजाना फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फरमाया जन्नत दा खजाना कौन कह रहा है
नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ते आप दी गल गलत हो सकदी। ए जन्नत दा खजाना अज दुनिया दे खजानियां पिछे बंदा लड़ पैंदा, लड़दा कि नहीं लड़दा, कतल होंदे ने कि नहीं होंदे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फैसलाबाद रजाबाद की गल जे अल्लाह परसों रात एक दोस्त ने सुनाई है, बेटा अल्लाह अकबर अल्लाह कि मैं हर बरादरी अमीर तरीन बरादरी दे रजाबाद दो एक नंबर बाजार की गल जे बेटा बाप नू कहन लगा आ जिनी भी प्रॉपर्टी है ना ये मेरे नाँ ला दे, मेरे नाँ ला दे। बेटा बाप कहना बेटा तेनू मैं 20,000 रुपया खर्चा देना तो तेनू केड़ी जरूरत है। अल्लाह हुआ कहन लगा नहीं ये जगह दुकाना मेरे नाँ ला। अल्लाह अकबर अल्लाह कहन लगा बेटा ये तो फिर मेरे मरण तो बाद ही लगनी है, मेरे मरण तो बाद लगनी है। तो बेटा की कहना है अल्लाह बंदा जिंदा है जड़ा बंदा इस उस मोहल्ले अंदर रहन वाला है। कहिंदा बेटा कहिंदा ये कड़ा औखा काम है। बेटे ने अपनी जेब चो पिस्टल कढ़िया तो मौके पर बाप नू गोली मार दी। कहिंदा ये कड़ा औखा काम है, अगर तेरे मरण तो बाद है मैनू जायदाद लभनी है ये कड़ा औखा काम है। अल्लाह फौरन गोली मार के अल्लाह अपने बाप नू कतल कर देंदा है। ये किंदी खातर? दुनिया दे खजाने की खातर, दुनिया के खजाने की खातर। अल्लाह अकबर अल्लाह इस वास्ते किसी ने कहा सी ना ओए कुल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़ दे वेखे मैं कुरान हदीस मेरी दलील है शेर मेरा जौक है। अल्लाह को तो तुहाड़े जौक नू भी मैं समझना है अल्लाह ते तर्जमा गल आई ते सुनानी चाहना है। ओए अल्लाह अकबर अल्लाह कुल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़ दे वेखे मैं ओए गल हथों पैनी एक दूजे नू ओए तौणों फड़ दे वेखे मैं एक आंदा है टोए टिब्बे तेरे ने ऐ पदर धरती मेरी आं ते दूजा दा ऐ पदर धरती मेरी आं ऐ टोए टिब्बे तेरे ने ते धरती ने के आं फकीर मियां ओए धरती ने के आं फकीर मियां तुसी दोवें विच हनेरे हो ना मैं इंदियां ना होंदियां तुसी दोवें बंदे मेरे हो ना मैं इंदियां ना होंदियां तुसी दोवें बंदे मेरे हो। आओ गल्लां लंबियां ना हो जान आओ आखरी अमल बयान करिए मेरे पाक पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु जिन्ना प्यार उची को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान दे ने अल्लाह अगर जन्नत च जाना चाहते हो ना अल्लाह अकबर अल्लाह और किन्ना लोगों नू अल्लाह जन्नत अदा फरमाएगा। आका फरमान दे ने मन आखिरा कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना। फरमाया जेड़ा बंदा ला इला इल्लल्लाह पढ़ता रहिंदा की पढ़ता है पढ़ता ही नहीं इन्हें मायने भी समझता है इन्हें मफहूम भी समझता है इंशाल्लाह मायना फिर कदी ला इला इल्लल्लाह पढ़ता रहिंदा है। अल्लाह अकबर नबी पाक फरमांदे ने पढ़ता रहिंदा है इन्हें ते अकीदा भी रखता रहिंदा है। और आका फरमांदे ने पढ़दे आ जिंदगी गुजरती जा रही है इधरों इंदी मौत का पैगाम आ गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह इधरों आखिरी सान है अल्लाह अकबर अल्लाह इधरों मौत का फरिश्ता आ गया है इन्हें सान निकलदे ने ते इंदी जबान ते जारी हो जाता की ला इलाहा
इल्लल्लाह इल्लल्लाह। आका फरमांदे ने दाखलल जन्ना है, दाखलल जन्ना है। इधरों ला इला पढ़िया है, इधरों जान निकल गई है, ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह जन्नत दा दाखला ता कर देवेगा। इस वास्ते डरदा फिरदा पढ़ी रखिया कर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जन्नत दे देवेगा। आओ फिर एक मेरे वीर दी फरमाइश, अल्लाह अकबर अल्लाह तुहानू जन्नत दी सैर कराइए ते गल मुखा देइए। अल्लाह अकबर अल्लाह उत्थे ऐशां ते खुशियां दा गुलशन खिलेगा। ओ अल्लाह तुहानू अता कर दे, अल्लाह सारियां नू अता कर दे, अल्लाह मैनू भी अता कर दे। उची कह दो आमीन। अल्लाह अकबर, केड़ी जन्नत अल्लाह तुहानू अता करेगा? उत्थे ऐशां ते खुशियां दा गुलशन खिलेगा। अमल नेक कीते ते जन्नत मिलेगा, अमल नेक कीते ते जन्नत मिलेगा। ओ जन्नत जिंदे विच बीमारी कोई नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच बीमारी कोई नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच लाचारी कोई नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच लाचारी कोई नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच दुखां दा ना नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच दुखां दा ना नहीं, ओ जिंदे विच दुखां दा नामो नशा नहीं, जिंदे विच दुखां दा नामो नशा नहीं, ओ जन्नत जिंदे विच रुत्तां दी नरमी, ओ जन्नत जिंदे विच रुत्तां दी नरमी, ना सर्दी ज्यादा ते ना बहुत गर्मी, ना सर्दी ज्यादा ते ना बहुत गर्मी। ओ जन्नत जिंदे विच सोने दे बर्तन, अल्लाह नसीब कर दे। लेना चाहते हो ना इंशाल्लाह, फिर नमाज़ां पढ़िया करो, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह को अल्लाह याद रखिया करो, अल्लाह उम्मीद रखिया कर इंशाअल्लाह। उम्मीद रखेगा तो अल्लाह अता करेगा, अमल करेगा तो अल्लाह जरूर अता करेगा। वो जन्नत जिंदे विच सोने दे बर्तन, नसीबां वाले पड़सन सुबहान अल्लाह वर्तन, नसीबां वाले सुबहान अल्लाह वर्तन। वो जन्नत जिंदे विच सुने दे कंगन, कुरान दा तर्जमा कर रहे हैं। ओ जन्नत जिंदे विच सोने दे कंगन, अल्लाह गरज ओ मिलसी बहिश्ती जो मंगन, गरज ओ हो मिलसी बहिश्ती जो मंगन। अल्लाह अकबर अल्लाह, बहिश्तियां दे कद होवणगे एडे, बहिश्तियां दे कद होवणगे एडे, लंबाई च हजरत आदम जेडे, लंबाई च हजरत आदम जे जेडे। ओए दाढ़ी मुच्छा कोलो शक्लां बेनियाज़ा, जन्नत दे अंदर दाढ़ी मुच्छा कोलो शक्लां बेनियाज़ा, यूसफी शक्लां दाऊदी आवाज़ां, यूसफी शक्लां दाऊदी आवाज़ां, उमर ईसा वाली बत्ती तेती सालां। नबी पाक दी दसवीं गल्लां, उमर ईसा वाली बत्ती तेती सालां, बोली मुहम्मद दी अरबी कमालां, बोली मुहम्मद दी अरबी कमाला। ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, ओ जन्नत जिंदे विच हमेशा जवानी, जिंदे विच मछली दी पहली मेहमानी, जिंदे विच मछली दी पहली मेहमानी। ओ अंदाजा नहीं जन्नत दा कुछ ला सकोगे, अंदाजा नहीं जन्नत दा कुछ ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू जुटला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू जडला सकोगे। एक होर ऐले बोलिया, तर्जमा जन्नत दे हवाले नाल कर गया, अल्लाह अकबर अल्लाह, विच जन्नत दे अजब नज़ारे होणगे,
अल्लाह करे तुहानू शौक पैदा हो जाए जन्नत दा। अल्लाह दुनिया के होटल दे महल कुछ भी नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह विच जन्नत दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहण वाले रब दे प्यारे होणगे इंशाल्लाह, उत्थे रहण वाले रब दे प्यारे होणगे, उत्थे रहण वाले रब दे प्यारे होणगे। अल्लाह अकबर अल्लाह पुन्नी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहण वाली जवानी होवेगी, हमेशा रहण वाली जवानी होवेगी। जैके मच्छी ते लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। और कितना प्यारा मंजर होएगा, कुरान हदीस दा तर्जमा पिया करना। अल्लाह अकबर अल्लाह, कोई लेटिया ते लेटिया ही खाई जावेगा, कोई लेटिया ते लेटिया ही खाई जावेगा, जेड़ी नेमत हो जाए ओहो पाई जावेगा, ओहो मिले जो सोचां दे इशारे होणगे। आका फरमांदे ने जन्नती बंदा जन्नत च बैठा दिल करदा ऐ फल खाण नू, अजे हिलण दियां भी लोड़ां कोई नहीं, वो दरखत करीब आ जाएगा, फल करीब आ जाएगा, अजे सोचदा ही पिया ते अल्लाह ता कर देगा, ओहो मिले जो सोचां दे इशारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। आओ आखरी जुमला, अल्लाह अकबर अल्लाह, ओ किड्डा सोहणा मौसम बहा होएगा जदों इंशाल्लाह अल्लाह दा दीदार होएगा। अल्लाह नसीब कर देवे, अल्लाह गुनहगार बनिया खताकार बनिया, अल्लाह नसीब कर दे ओ किड्डा सोहना मौसम बहार होएगा, ओ किड्डा सोहना मौसम बहार होएगा, जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होएगा। ते रब नू वेखण वाले ध्यान करिया जे, रब नू वेखण वाले इंशाल्लाह ऐ सारे होणगे, इंशाल्लाह कह दियो अल्लाह कबूल फरमा लेगा, रब नू वेखण वाले इंशाल्लाह ऐ सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह कोलो दुआए, अल्लाह पाक सानू नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दसे अमाल अल्लाह करन दी तौफीक अता फरमाए, आप दे दसे वजीफे, आप दे जन्नत जाण वाले वजीफे, अल्लाह इन्हां नू पढ़न दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जन्नत अंदर जाण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।